हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लासी मैनिया। फ्रेंड्स, आज आप लोगों के साथ मैं लहासा तिब्बतन मार्केट्स का एक्सप्लोर करने जा रही हूँ। एंड ये है नोएडा 62 में। अगर आप अभी तक नहीं गए हैं तो आप ही जा सकते हैं। बाकी मैं आज आप लोग के शॉपिंग के पूरी रिव्यू शेयर करती हूँ, इसमें कैसा सब क्या सब मिल रहा है और क्या इसका रेंज होने वाला है। तो चल वीडियो को लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैंने जब यहाँ एंटर किया तो आप देख सकते हैं कि लॉन्ग जैकेट्स जो है वो सब बहुत सारे थे, अलग अलग कलर में। इसके काफ़ी सारे सेट्स हैं। एंड फिर हमने ब्लैंकेट भी देखा, ब्लैंकेट काफ़ी प्यारे प्यारे ब्लैंकेट्स थे, मतलब बहुत अच्छे अच्छे कलर में जो काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे थे। एंड हमने और जैसे कि बहुत सारी दुकानों पे पूछा तो यहाँ पे प्राइस बहुत वैरी कर रहा था सामानों का। जैसे जैकेट्स का कहीं 2500, कहीं 3000, कहीं फिर 1600-1700 आ जा रहा था। और फिर ब्लैंकेट्स में भी ऐसे ही था, कहीं 3000-4000, कहीं 4000, ऐसे अलग अलग दाम बोल रहे थे। तो हमने पहले 3-4 दुकानों पे पता किया और जब देखा कि सेम चीज़ अगर प्राइस फिर हमें कम में मिल रहा है तो फिर वहीं से हम परचेज करना सही समझेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्वेटर्स भी है, बहुत सारे कलेक्शंस हैं। एंडी फ्रॉक स्टाइल, ट्यूनिक स्टाइल में स्वेटर्स थे। यहाँ शॉर्ट्स वाली ये जैकेट्स हैंग में लगे हैंग किए हुए थे। इन सब की प्राइस 1500-1600 ऐसे थी। मतलब ये नहीं कह सकते इस मार्केट के बारे में कि बहुत सस्ती मार्केट है, मतलब रिजनेबल प्राइस पे है या फिर ठीक ठाक है। बहुत सस्ते सामान नहीं है यहाँ पे, लेकिन कलेक्शंस बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको देखने के लिए। तो गाइस, यहाँ पे जैसे ब्लैंकेट्स का हमने 2 दिन शॉप पे पूछा तो हाँ, डबल बेड का बोल रहा था लोग कि 3000 से स्टार्ट है एंड सिंगल बेड का 1500 से स्टार्ट था। तो बस यही वैरी करता है कि जो 1500 कहीं शॉप पे बोल रहा है ब्लैंकेट का, तो वही किसी अदर शॉप पे फिर 2000 बोल रहा है, 3000 वाले ब्लैंकेट का कहीं 4000 बोल रहे हैं, तो बहुत अलग अलग दाम बोल रहे थे। एंड देन ये सारे कैप्स जो हैं वो 200 के मिल रहे थे। इसमें बहुत सारे कैप्स का डिज़ाइन अलग अलग थे, तो इसमें 200 का था और हमें लेना था एक्चुअली जो अभी कवर्ड कर रहा है ना फेस और नोज वगैरह सब, कि अगर हवा इतनी ठंडी चल रही है दिल्ली में तो वो वाली लेनी थी, तो वही ढूंढ रहे थे, हमें नहीं मिला। एंड इसके बाद यहाँ कार्डिगन्स देखा। कार्डिगन्स में मतलब काफ़ी, मतलब हेवी मटेरियल था, काफ़ी लग रहा था कि ये काफ़ी आपको गर्मी देने वाली है, मोटी मोटी सी लग रही थी जैकेट्स जो थी। और इसकी प्राइस गाइज 450-500 के रेंज में ये सारी थी। तो यहाँ से फिर आप दे सकते हैं अगर आपको घर में मदर लोग के लिए लेना है तो। एंड ट्राउज़र, लेगिंग्स सारा कुछ अवेलेबल था, शॉल्स भी थे, मतलब स्टॉक में वो सब कुछ है जहाँ आप देख सकते हैं। फिर लास्ट में मुझे ये जैकेट पसंद आया, फिर मैंने यहाँ आकर पूछा, क्योंकि पहले मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में इसको 2500 बोले और ये सारे लॉन्ग वाले हैं, तो जो फर लगे होते हैं नेक पे उसकी 1700 प्राइस बता रही थी, या 7 ये किस रेंज का होगा 50 ऐसे। एंड ये जो प्लेन नेक वाली थी दिखाओगे, ये सिर्फ 1600 की या 1650 की थी। तो आप देख सकते हैं इसमें हमने 3-4 सेट्स निकाल के देखा और काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शन। तो क्या हो गया, तो ले लो आप भी। अच्छा, लॉन्ग लाइट सेट में भी था, ब्राउन था, वाइट ऑफ वाइट में भी था और पिस्ता ग्रीन भी था। बहुत सारे कलर्स के सेट्स में से ऑप्शन अवेलेबल थे और काफ़ी सॉफ्ट भी लग रहे थे। डिजाइन भी थोड़ा सा वेरी कर रहा था, पैकेट्स वगैरह की स्टाइल थोड़ी बहुत मतलब अलग अलग आप देख सकते हैं कि दिख रहा है, बाकी काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और सबसे मतलब फिर नेक्स्ट शॉप हम जाने का पूछने का सोचे ही नहीं, क्योंकि जब हमें लगा कि 2800-3000 बोल रहा है और यहाँ के ऐसे 1650 में आ गया, तो ठीक है अभी से कम तो नहीं मिलेगा। तो फिर इसी में से हम अपने लिए सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा लगता है। मैंने ट्राई जैकेट ट्राई करके देखा और इसकी फिटिंग काफ़ी परफेक्ट आ रही थी, लेंथ वगैरह एंड आगे बटन्स वगैरह लगाने पे भी बिल्कुल सही साइज़ की थी। और इसमें आपको 4XL तक का साइज़ ऑप्शन था, आपको अगर आप और बड़े साइज़ में भी देखना अगर लेना होगा तो आप आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं यहाँ पर। तो काफ़ी सही लग रहा था मेरे को साइज़ वगैरह। मैं इसमें कलर दूसरा कुछ सिलेक्ट कर लेती हूँ। एंड आपने जो मेरे को देखा कैप पहने हुए, सेम ऐसी कैप हम लोग ढूंढ रहे थे तो नहीं मिल रहा है, देखते हैं अगर आगे मिलता है तो, क्योंकि ये पूरा कवर हो जाता है। बंद नहीं, मोज वगैरह तो काफ़ी सहूलियत मिलती है, इतनी ठंडी हवा चल रही है जिससे हमें काफ़ी सेफ रहना पड़ेगा। इसी बात बच्चों के लिए भी पोंचो एंड बड़ों के लिए भी मिल रहा था अलग अलग स्टाइल में। एंड सबकी प्राइस अलग अलग थी। बच्चों के लिए हम थोड़ा पोंचो देख रहे थे तो उसमें भी मतलब अलग अलग कलर वेरिएशन ये सब कर रहा था, तो प्राइस भी अलग अलग हो रहा था। इसकी स्टार्टिंग ऐसे 300 से बता रहे थे, बच्चों वाली जो पोंचो बोलते हैं, तो 300-400-500 के रेंज में थी। तो आप देख सकते हैं एंड बड़े वाले जो हैं बड़े लोगों के लिए है वो 950 ऐसे 1000-1200 के रेंज में था। एंड यहाँ पे काफ़ी सारे शॉल्स के भी ऑप्शन अवेलेबल थे, ग्लव्स, मफलर, स्टॉल्स,
सब कुछ मतलब बहुत ज़्यादा ही कलेक्शन था, और क्या है क्या दिखाया जाए क्या लिया जाए बहुत कन्फ्यूजन था। लेकिन एक बात है कि यहाँ पे आप बारगेन नहीं कर सकते, सब फिक्स्ड प्राइस है, एकदम सब लिखा हुआ है। एंड आप देख सकते हैं इस तरह का स्लीपर्स भी है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी दूसरे शॉप पे, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ऑप्शन था, यहाँ तो अभी मुझे एक दिखा तो जैसे लगा कि और दिखेगा नहीं, मैंने इसको देखने चली गई। तो इसके बहुत सारे ऐसे स्लीपर्स भी बहुत सारे ऑप्शन में थे, एंड सारे के प्राइस भी लोग अलग अलग बता रहे थे। इसमें जस्ट अभी अब तो मैं पोंचो देख रही थी, तो फिर मतलब इसमें छोटे बच्चे के लिए हमें लेना था तो एक उठाया था। एंड आपको शूज में देख सकते हैं यहाँ पे कितना सारा ऑप्शन है, शूज है, बूट्स बच्चों के लिए भी है, और बेली वगैरह सारा कुछ ऑप्शन है, अगर आप इसमें अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सेम फिर मुझे जैकेट्स अलग अलग स्टाइल में दिखे, तो मैं रुक जा रही थी कि पूछूँ क्या फिर से, कहीं 1600 से भी कम बोलेगा तो ऐसा लग रहा था। और आगे फिर बढ़ते हैं दूसरे शॉप पे, देखते हैं कि क्या सब है। मेंस के लिए भी बहुत सारा ऑप्शन था, मैंने एक्चुअली नहीं पूछा मेन के लोग जो भी है यहाँ पे सामान उसके दामों को मैंने नहीं जानकारी ली। लेकिन शर्ट्स और जैकेट्स जो जींस के होते हैं, डेनिम जैकेट्स वगैरह सब कुछ था, लेदर वाली भी जैकेट्स थी। तो फाइनली मैंने बच्चे के लिए पोंचो देखना शुरू किया, और ये 450 के रेंज में था और 350 में, तो कम वाले ही मैंने पैसे उठाया। और फिर यहाँ देख सकते हैं जो मैं सोच स्लीपर्स की बात कर रही थी, मुझे नहीं पता इनको क्या बोलते हैं, ये काफ़ी पहले मम्मी ने खरीदा था बहन और भाभी लोग को, तो मैं अभी दाम पूछने इसके गई तो उसमें भी अलग अलग प्राइस बता रहे थे, 350 करके। सबसे कम बजट का जब मैंने बोला 300 दिखा तो हेवी सा दिखाया जो अच्छा नहीं लगा, तो 450 वाला ले सकते हैं। एंड फिर मुझे ये क्यूट सा यूनिकॉर्न का बैग देखा, बैकपैक जो बच्चों के लिए है, तो ये तो मुझे लेना नहीं था लेकिन काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा था। और यहाँ पे मैंने ये मतलब रुके, ये बहुत ज़्यादा मुझे प्यारा लग रहा था, पता नहीं ये किसी से बनाया गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा था कौन सी बांस लकड़ी यूज किए गए हैं, कुछ मतलब हाथ का कारीगरी किया गया था। लेकिन इसकी प्राइस जब मैंने पूछा तो 1000 रुपीज़ बताया, फिर मैं उल्टे पाँव वापस आ गई। एंड देन आप यहाँ देख सकते हैं जो कट पीस होता है सूट के, जो पीस होते हैं उलन सूट्स के, वो सारा कुछ भी लगा हुआ था। तो अगर आपको लेकर सिलवाना है तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। एंड इसके बाद मैं रेडीमेड कुर्ती एक्सप्लोर की, तो यहाँ रेडीमेड कुर्ती आपको हर साइज़ डिज़ाइन हर कलर्स में मिल रहे थे, आप यहाँ से ले सकते हो, और इसकी प्राइस 600-700 से स्टार्ट हो रही थी। एंड नाइट सूट भी जो अभी चले हुए हैं जो फर वाले, काफ़ी यहाँ पे क्यूट सा दिखा मुझे, और उसकी साइड में जो लॉन्ग स्रग दिख रही है वाइट कलर की एंड थोड़ी सी लाइट येलो में भी है, वो काफ़ी मुझे प्यारा लग रहा था। तो डेफिनेटली आप परचेज कर सकते हैं, आपको अगर कुछ स्टाइलिंग टॉप चाहिए या ड्रेस चाहिए तो काफ़ी ऑप्शन था। और फिर मैंने लास्ट में यहाँ पे एक और देखा पोंचो, ये बड़ों के लिए था, ये 1000-1200 के रेंज में था, अच्छा लग रहा था। लेकिन यही था कि जितना स्टॉक तो सही था, लेकिन आप सोचो कि सरोजनी और ये सब जैसे मार्केट से हम बार्गेन कर सके ऐसा कुछ भी नहीं था। और फिर मुझे छोटे छोटे क्यूट्स कपड़े देखे बच्चे के लिए, लेकिन छोटे बच्चे अब हमारे घर में नहीं है, बच्चे बड़े हो गए हैं, तो फिर मैंने इसको बस देख के छोड़ दिया। लेकिन बच्चों के कपड़े काफ़ी ज़्यादा प्यारे लगते हैं ना। और आप यहाँ देखो कितना सारा शूज का कलेक्शन है, हर साइज़ में आपको तो मिल ही जाएगा, मेल फीमेल स्पोर्ट्स शूज रनिंग शूज देख लो आप आकर, काफ़ी मतलब सही मार्केट लगा। एंड यहाँ मेरा विजिट ख़त्म हुआ ये तिब्बत मार्केट का, एंड जस्ट इसके बगल में ही फिर हिमालयन मतलब बौद्ध मार्केट लगाए हुए थे एग्जीबिशन, तो वहाँ के लिए मैं जा रही थी, जस्ट बगल में ही है। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना काफ़ी एरिया में ये किया गया है, मतलब पार्किंग के लिए भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आप कार बाइक जैसे से भी आओ, अच्छा स्पेस है पार्किंग के लिए। फिर यहाँ मैंने बुद्धिस्ट एग्जीबिशन समिति जो लिखा हुआ है इसमें मैं एंटर करती हूँ। एंड अभी हम लोग वहाँ से लेके आए थे तो बहुत ज़्यादा फिर इंटरेस्टिंग नहीं लगा, क्योंकि सेम मार्केट ही लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने पूरा मार्केट एक्सप्लोर किया। तो शुरू करते हैं यहाँ से, आप देख सकते हैं कि यहाँ भी जैकेट्स स्टॉल्स टंगे हुए हैं मेन के, यहाँ ज़्यादा जैकेट्स लेदर वाले स्लीव जो बंडी स्लीवलेस जो भी बोलते हैं वो सब भी ऑप्शन था। एंड फटाफट इस मार्केट को देखा कि मतलब ये देखने के लिए कि क्या उस मार्केट से इसमें हमें नया दिख रहा है, क्योंकि सारा मार्केट वहाँ घूम चुके थे तो ओवरऑल सब कुछ सेम सा लग रहा था। एंड यहाँ भी ब्लैंकेट्स था तो यहाँ और ज़्यादा ही ब्लैंकेट का तदाम, ये भैया ने बोला और इतने स्माइल किए थे, मैंने बोला भैया जितनी लंबी स्माइल दे रहे हो उतनी ज़्यादा नाम भी देख रहे हो, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ब्लैंकेट्स का 5000-6000 बोलने लगे। एंड यहाँ बच्चों के लिए भी बहुत छोटे छोटे से कपड़े, बहुत क्यूट कपड़े, मतलब सब कुछ मिल रहे थे। एंड ये छोटा सा बच्चा भी मुझे मिल गया जो अपनी माँ को रुक रहा था, थोड़ा सा खिला दो माँ भूख लगी।
ये सब कितने का है? 250 250 ये वाली 400 तो छोटा छोटा कुछ ज़्यादा नहीं है ये वाला 150 कौन सी 150 ये वाला मैं छोटा वाला ये 250 ये 300 ये 400 ये कितना ये 300 ये वो लेने पता करो 500 वलीदा है पपेट ले तो यार नहीं नहीं इस पपेट ले लिया मैंने तो बड़ा ले 350 ये सब कितने की है 350 इसमें दूसरा वाला भी आ जाएगा चॉकलेट वाली ये कलर ले लो दिखाना ये लेके चलेंगे और तो डिफरेंट लो ना मार छोटा भी है इसकी वो भी है साइड की 350 है हाथ में पकड़ लो ये तो स्लिप कर यहाँ आप देख सकते हैं कि इतने कॉस्टली पर्स दे रहे थे फिर यहाँ अट्रैक्ट किया एक कपड़ा से बना हुआ है बांधनी प्रिंट जो बोलते हैं उसका है एंड एक और है इसके साथ कलरफुल में ये भी कपड़े का ही मटेरियल का बना हुआ है एंड थोड़ा सा साइज़ का डिफरेंस है लेकिन दोनों के प्राइस 350 ही हैं तो आप जो चाहे पसंद आए तो ले सकते हैं तो मुझे ये कलरफुल जो प्रिंट दिख रहा है ना बांधनी वाली वो मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट की थोड़ा सा लोकल ऐसा लग रहा था कि क्या बोलते हैं जयपुरिया टाइप से घूमने के अगर जा रहे हो विजिट टूर पे जा रहे हो तो काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे ऐसा इसका फील आ रहा था तो इसलिए मैंने इसको लिया एंड छोटा सा मुझे दिखना था जिसमें सिर्फ फ़ोन और फ़ोन के अलावा कुछ ना आए मतलब थोड़े बहुत पैसे और फ़ोन आ जाए ज़्यादा बड़ा मैं नहीं लेना था तो एक छोटा सा वो भी हमने देखा था लेकिन इसकी प्राइस मतलब सब कुछ ऐसे छोटे बड़े लग रहा था कि 350 से कम की थी ही नहीं भैया ऐसे मक्खन लगा रहे थे कि फ्राइडे है बहन का पर्स भरा रहेगा एंड ऑल एंड छोटा सा जो मैं बोल रही थी वो गुच्ची का दिखाया तो इतनी बार उन्होंने बोला कि गुच्ची का है मैम 350 में दे रहा हूँ गुच्ची का है यार क्या गुच्ची कैसे लग रहा है 350 में गुच्ची का मिलता है जैसे हमने तो पता ही नहीं है तो बस यहाँ से मैंने फिर ये दो पर्स लिया जो काफ़ी मुझे प्यारा लगा कलरफुल में तो बढ़ते हैं फिर आगे फ्रेंड्स अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो पसंद आएगा तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा प्रेस कीजिएगा एंड बाकी डिटेल्स अगर आपको कुछ जानना होगा इस मार्केट के बारे में तो मुझे कमेंट करके बताएं मैं उसके पास फुल रिप्लाई करूँगा इसके प्राइस टैग 1350 का लगा हुआ था मतलब 200-300 ही बड़ों वाले जैकेट से कम का था तो ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है बड़े और छोटों के कपड़ों में और यहाँ भी देख सकते हैं कि काफ़ी सारे लॉन्ग जैकेट्स यहाँ भी अलग अलग कलर ऑप्शंस में आपको लास्ट में फिर एक बार ब्लैंकेट के शॉप पे गए जो ब्लैक एंड वाइट कलर का जो कलर कॉम्बिनेशन का ब्लैंकेट है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे प्यारा लगा तो फिर यहाँ मैं रुक गई एंड कुछ देर बाद आगे मुझे फिर बच्चों तो लगभग यहाँ का भी बुद्ध मार्केट जो भी है वो भी पूरा मैंने एक्सप्लोर कर लिया है एंड लास्ट में मुझे फिर बच्चों के और कपड़े दिखे क्यूट क्यूट से तो आप नज़र देखा घुमा सकते हैं अपनी एंड उसके बाद एक और कपड़ा मुझे बच्चे का दिखा देख सकते हैं आप साइड में पर्स भी रखा हुआ है काफ़ी प्यारा लग रहा था निकलते निकलते टाइम लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं थी तो आज का मार्केट यही ख़त्म करते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग।